नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर के दौरान दुल्हन की शादी के बाद दूल्हे को ही आपत्तिजनक फोटो भेजने का मामला सामने आ रहा है। उसकी एक महीने पहले शादी हुई थी और फोटो देखकर नव दंपति के विवाह संबंध भी खत्म हो गए हैं और नव विवाहिता को अब अपने मायके लौटना पड़ा है। युवती ने रक्षा थाने में आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ पिलाने के बाद ही घटना को अंजाम देने का मामला दर्ज करवाया है और पूरे मामले में अब जाँच पड़ताल शुरू कर दी गई है। झांसी से यह पूरा मामला आ रहा है, जहाँ पर 24 वर्षीय ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है और उसके घर पर बरोड़ी गाँव निवासी अजय निवासी किराए पर रहता था। इसके बाद दोनों की बातचीत और पहचान हो गई थी और कुछ समय बाद अजय तिवारी ने किसी बहाने से उसे बुला लिया था और आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद ही गड़ी घटना को अंजाम दिया और फोटो वीडियो भी बना लिए हैं। कुछ समय बाद 6 मई को ही युवती की दतिया में शादी हो गई थी और आरोपी युवक अजय तिवारी ने ही उसके पति को ही आपत्तिजनक फोटो वीडियो भेजे थे और फोटो देखकर पति ने रिश्तों को खत्म कर लिया है। शादी में मिला दान दहेज लौटा दिया है और युवती को अपने मायके भेज दिया है और अब युवती ने भी अजय और उसके परिवार पर भी मामला दर्ज करवा दिया है और इसके बाद अब जांच पड़ताल की जा रही है। तो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।